24 में सुमन चौधरी गूगल में, जैसे कि हम जानते हैं कि राजस्थान में आज सभी पेट्रोल पंप है वो बंद है, ग्राहकों को काफ़ी परेशानी हो रही है। पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने है वो पहले भी राजस्थान सरकार को चेतावनी दी थी कि पंजाब और हरियाणा के समान रेट किए जाए, लेकिन इनकी चेतावनी है सरकार ने नहीं मानी, इसीलिए आज 10 अप्रैल को इन्होंने धरना दिया है। और आगे इनका कहना है कि यदि आज हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 25 अप्रैल से हम है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। इनकी किस प्रकार से आगे की मांग है, महंगाई को लेकर इनकी किस तरीके से राज्य सरकार है वो कमर तोड़ रही है, क्या कुछ है किसानों से भी जानते हैं और कर्मचारियों से भी। अजी, ये पेट्रोल राजस्थान और हरियाणा का भाव 11 रुपये का अंतर आ रहा था, तो राजस्थान के अंदर क्यों नहीं कम कर रही है 100 किलो थी ये भाव इनका, जो GST वगैरह लगा रखी है वो कम करनी चाहिए, हमें बहुत परेशान है जी। और ये पेट्रोल बहुत अधिक महंगा, पेट्रोल और डीजल बहुत महंगा पड़ता है, खेती करनी भी हमारे लिए बहुत क्योंकि खेती करनी है वो बहुत ही मुश्किल हो गया। जैसे पंजाब और हरियाणा से यहाँ लेकर के वो बेचते हैं पेट्रोल डीजल, तो उससे आपको कितना क्या कुछ हो रहा है नुकसान, उससे राज्य सरकार को भी नुकसान हो रहा है क्योंकि यहाँ का पेट्रोल या डीजल नहीं बिक रहा है, वहाँ से जो ब्लैक में 2 नंबर भी लेके बेचते हैं वो भ्रष्टाचारी फैल रही है। इससे तो आगे है वो आप सरकार से किस प्रकार मांग रखना चाहते हैं इनकी सरकार से, ये रिक्वेस्ट है ये सरकार मतलब जो आस पास पड़ोस में जो राज्य है ना उनके समान हमारा पेट्रोल और डीजल का भाव किया जाए, क्यों इसका अंतर है ये अंतर कम खत्म किया जाए। फिर दो की भाषा कर रही है, एक पास तो राजस्थान में तेज रेट ले रखे, वही सरकार पंजाब में है वो वहाँ GST कम है या ज्यादा है, ये इसको GST में लेना चाहिए, तो जो वेट लग रहा है ना वो वेट ज्यादा है। GST थोड़े ही दिनों में है वो डीजल आसमान छू गया, तो इसमें आपका क्या कुछ कहना है। ये बहुत खतरनाक है साहब, हमारे जमींदारों किसानों के लिए बहुत ही मौत का प्रमाण है ये, अगर इस तरह भाव पड़ता रहे हमें खेती कर ही नहीं सकते, क्यों फसल कैसे पाएंगे जब डीजल इतना महंगा है और ट्रैक्टर वगैरह काम नहीं चलता, लेबर क्या करेंगे, डीजल ले जा नहीं सकते, पैसा ही नहीं है इतना। आप देख सकते हैं लोग है वो डीजल और पेट्रोल भरवाने के लिए आते हैं, लेकिन हड़ताल जो है 10 अप्रैल की, इस वजह से ये वापिस जाएंगे बगैर डीजल और पेट्रोल लिए। कितनी दूर से है उनके पास कितना डीजल बचा है, कितना लंबा सफर तय कर पाएंगे ये जानते हैं, लेकिन राज्य सरकार है इनकी मांगे सुनने को तैयार नहीं है। पेट्रोल पंप कर्मचारी है ये हमारे साथ खड़े हैं, इनकी क्या कुछ मांग है, आगे ये किस प्रकार हड़ताल करेंगे इनसे जानते हैं। हम राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि पंजाब और हरियाणा से जो डीजल आ रहा है हमारे गांव में आसपास में, जैसे दिल्ली तलाई रामड़ा, इसमें पिको पंप में ड्रम भरकर लेकर आ रहे हैं, तो इन साइडों से क्या है कि डीजल बंद किया जाए, इसमें राज्य सरकार को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है क्योंकि ये डीजल राज्य सरकार का नहीं बिकते हुए हरियाणा पंजाब का बिक रहा है, इसी वजह से इन आस पास पेट्रोल पंपों की बहुत सेल कम हो गई है। ऐसे ही 12 राज्यों का डीजल पेट्रोल बिकता रहेगा, तो क्या आप हमारे राजस्थान के पेट्रोल पंप है वो बंद होने के कगार पे नहीं है? बिल्कुल है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि बॉर्डर के पंप है जो आसपास में वो तो बंद हो ही गए, और हमारे जैसे यहाँ पर ग्रामीण इलाकों के पंप है उसमें भी बहुत सेल में बहुत कम हो गई है, जैसे लोग पिकअप में रात को आते हैं ड्रम भरकर और सप्लाई कर देते हैं आसपास में, इसमें क्या है कि ये पेट्रोल पंपों से नीचे डीजल बेच रहे हैं, इसमें पेट्रोल पंपों वालों डीलरों को बहुत नुकसान है और काश्तकारों को भी, क्योंकि वो कुछ डीजल में मिलावट करके भी लाते हैं साथ में, और अभी डीजल की कीमतें भी बहुत ऊंचाइयों पर चली गई है, किसानों को बहुत। रीजन तो होगा ना, अगर मैं मत पंजाब हमसे कुछ अलग हो, GST अलग लगती हो तो अलग बात है, हमारा पंजाब का एक बिल्कुल हमारी समानता पर पाई जाती है कि पंजाब और हम दोनों पाकिस्तान बॉर्डर पाए जाते हैं राजस्थान और पंजाब, तो अगर उसमें वो 90 रुपए हमारे 100 रुपए तो 10 रुपए फर्क क्यों होना चाहिए फिर? सरकार दोनों पास सरकार ये चाहे कि दोनों अगर बराबर की स्थिति में है तो बराबर का GST लगाया जाए। आपको क्या लगता है कि ऐसे ही ये सब कुछ चलता रहा तो पंप कर्मियों की है वो सैलरी खतरे में नहीं है? मैडम, पंप के सैलरी की तो बात बिल्कुल अलग बात है, हम तो ये चाहते कि अगर हम